भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रही है, लेकिन हर बार चीन को मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन वो चीन ही क्या जो सुधर जाए। अब एक बार फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध करने को लेकर चीन और पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। जर्मनी पहुंचे भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत लगातार सुधारों की मांग कर रहा है, जिसे चीन और पाकिस्तान के विरोध के बाद अनसुना किया जा रहा है। इन मसलों को लेकर हाल ही में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में चीन, पाकिस्तान समेत अमेरिका को भी जमकर धोया था। इस दौरान राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की थी, जिसके बाद पाकिस्तान बीच में कूद पड़ा और सुधार का विरोध किया। जर्मन मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान का बगैर नाम लिए कहा कि जो लोग संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का विरोध कर रहे हैं, शायद उनको पिछले दशक में हुए बदलाव का आभास नहीं हो रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत 11वें स्थान से अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही तीसरे स्थान पर भी पहुंच जाएगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और उसके संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। दरअसल चीन और पाकिस्तान भारत के तेजी से तरक्की को हजम नहीं कर पा रहे हैं और तमाम तरह की साजिशों के जरिए भारत को उलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को बेवजह भड़का रहा है। वहीं चीन अरुणाचल समेत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव पैदा कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के बाद 21 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन चीन बातचीत की आड़ में साजिश रचने के बाद नहीं आ रहा है। भले ही चीन ने भारत के साथ हुई 21वीं दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जताई है, लेकिन उसे शांति की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। हाल ये है कि भारत के साथ तनाव बढ़ाने और भारत को घेरने की साजिश के तहत भारत और मालदीव के बीच तनावपूर्ण संबंधों का फायदा चीन उठा रहा है। वहीं बता दें कि चीन अपना एक जासूसी पोत जहाज मालदीव सागर में प्रवेश करने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार चीन का ये जासूसी जहाज राजधानी माले में रुकेगा। चीन लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। ऐसे में भारत मालदीव संबंधों में आई खटास के बीच चीन के जासूसी जहाज के मालदीव में आना भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। लेकिन भारत ने धरती, आकाश और समंदर में अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने की रणनीति बना ली है। भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की घेरबंदी के लिए कमर कस ली है। चीन के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सेना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 545 किलोमीटर तक फैले केंद्रीय क्षेत्र में बरेली मुख्यालय वाले प्रशासनिक गठन को युद्ध लड़ने वाले कार्यों के साथ एक कोर मुख्यालय में परिवर्तित करेगी। ये कोर मुख्यालय केंद्रीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत क्षेत्र को केंद्रीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक कोर मुख्यालय में तब्दील किए जाने की उम्मीद है, जिसे वर्तमान में भारत और चीन के बीच विवादित सीमा का सबसे कम विवादित क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में एकमात्र विवाद उत्तराखंड के बाराहोती में है। बता दें कि 3488 किलोमीटर लंबी LAC को 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तर भारत के साथ पश्चिमी लद्दाख और पूर्वी में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इसमें पश्चिमी सेक्टर का लद्दाख सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच गतिरोध था। वहीं पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में भी गतिरोध बना हुआ है। लेकिन अब भारत ने चीन को सबक सिखाने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।